जन सरोकार मंच से जुड़े हुए सभी सुनने वालों को, सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रकर्ष मालवी विपुल इलाहाबाद में रहता हूँ और कुछ कुछ थोड़ी बहुत कविताएं लिख लेता हूँ। तो देवेंद्र जी का आग्रह हुआ तो कुछ कविताएं लेके मैं आपके बीच में उपलब्ध हूँ। पहली कविता है रोहिंग्या मुसलमानों के नाम। तो मैं प्रस्तुत करता हूँ अपनी पहली कविता रोहिंग्या। रोहिंग्या रोहिंग्या तुम कौन हो, रोहिंग्या रोहिंग्या तुम कौन हो, क्या कहा, इंसान हो, लगता तो नहीं, दो पैर दो हाथ के धड़ के ऊपर सर रख देने से कोई इंसान नहीं बन जाता, दो पैर दो हाथ के धड़ के ऊपर सर रख देने से कोई इंसान नहीं बन जाता। इंसान होने के लिए आवश्यक है उस जगह के जहां तुम इंसान होने का हक मांग रहे हो, बहुसंख्यक समुदाय से होना। जितना बड़ा समुदाय उतने सभ्य लोग, उच्च कुल से होना, जितना ऊंचा कुल उतना अच्छा इंसान, पर तुम तो रोहिंग्या रोहिंग्या तुम कौन हो, क्या कहा, रिफ्यूजी हो। रिफ्यूजी होना इंसान होने के सबसे अंतिम लक्ष्य है। रिफ्यूजी होना इंसान होने के सबसे अंतिम लक्ष्य है। रिफ्यूजी होना दुनिया पे बोझ होना है। रिफ्यूजी होना मुल्क की सुरक्षा में खतरा होना है। रिफ्यूजी होना इस खूबसूरत दुनिया की सुंदरता में बट्टा लगाना है। न तुम बर्मा के हो, न बांग्लादेश के, न भूटान या नेपाल के, और भारत के होना तो भूल ही जाओ। अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाकर ढूंढोगे अपने पुरातात्विक प्रमाण। जाओ जाओ डूब मरो बंगाल की खाड़ी में, इसके पहले कि सारे देशों की चुस्त दुरुस्त कर्तव्य निष्ठ सेनाएं उठा के फेंक दे तुम्हें बंगाल की खाड़ी में। लेकिन क्या बंगाल की खाड़ी में इतना पानी है कि डुबो दे तुम्हें, लेकिन क्या बंगाल की खाड़ी में इतना पानी है कि डुबो दे तुम्हें। जाओ गला घोंट दो अपनी संतानों का और डूब मरो, ताकि मानवीय सभ्यता बची रहे अपने सफलतम रूप में। जाओ कि तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है, जाओ कि तुम्हारे पास इस दुनिया को देने को कुछ नहीं है, जाओ कि तुम्हारे श्रम से कुछ भी निर्मित नहीं हो सकता, जाओ कि हमारे देश में भूखे नंगों की वैसे भी कोई कमी नहीं है। रोहिंग्या रोहिंग्या आज वे भी तुम्हें देखकर डरे हुए हैं जो खुद किसी समय कहीं पर रिफ्यूजी थे। ये कविता थी रोहिंग्या मुसलमानों के नाम। और एक दूसरी कविता है जो बिल्कुल सच्ची घटना से प्रेरित कविता है, और इस कविता को मैं फैक्ट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, बाकी जो कितनी कविता बन पाई है ये मैं अपने सुनने वाले श्रोताओं के ऊपर छोड़ता हूँ। इस कविता का शीर्षक है धांजाराम। तो प्रस्तुत है दूसरी कविता धांजाराम। 78 वर्षीय धांजाराम घर की चौखट पर बैठे अपनी डबडबाई आंखों से ताक रहे हैं आते जाते लोगों को। कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं, कोई उनके साथ रहने को तैयार नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि धांजाराम ने दी है गवाही अपने ही तीन पुत्रों, बहू और एक पोती के खिलाफ। जी हाँ जी हाँ, इन्होंने मारा है मेरी पोती को, अपनी बहन बेटी और भतीजी को, मेरी गोरी चिट्टी स्वीटी को। आखिर क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि वह प्रेम कर बैठी थी एक गैर जात के लौंडे से। कोई फर्क नहीं पड़ता था उसे उस लौंडे के गैर जात के होने से। बहुत समझावन बुझावन
कहा सुनी और मारपीट के बाद एक दिन गला घोंट दिया इन्होंने उसका, समाज में अपना झूठा सम्मान बचाने को, और जला दी उसकी लाश घर के ही भिथोड़े में। निचली अदालत ने उम्र कैद दी है इन हत्या के अभियुक्तों को, धांजाराम के बच्चों को, धांजाराम की गवाही पर। निचली अदालत ने उम्र कैद दी है इन हत्या के अभियुक्तों को, धांजाराम के बच्चों को, धांजाराम की गवाही पर। धांजाराम पकाते हैं रोटी अपने बाकी नाती पोतों के लिए, भेजते हैं उन्हें प्राइवेट स्कूल जिनके माँ बाप बंद हैं जेल में, धांजाराम की गवाही पर। वे कहते हैं बुढ़ऊ सठिया गए हैं, हमारा जीवन बर्बाद किया है बूढ़े ने, किसी तरह खींच रहे हैं गृहस्थी की गाड़ी धांजाराम अपनी 1800 रुपए की वृद्धा पेंशन पर। किसी तरह खींच रहे हैं गृहस्थी की गाड़ी अपनी 1800 रुपए की वृद्धा पेंशन पर। धांजाराम कुछ पूछने पर बोलना चाहते हैं धांजाराम, होंठ हिलते हैं उनके लेकिन कुछ बोल नहीं पाते धांजाराम। सजा हुई है उनके बच्चों को लेकिन सजा काट रहे हैं धांजाराम। सजा हुई है उनके बच्चों को लेकिन सजा काट रहे हैं धांजाराम। कविता मुझे खुद बहुत पसंद है और ये कविता महामारी कालीन है, कोरोना के दरमियान ये कविता लिखी गई थी और उस समय जो दर्द हृदय विदारक जो दृश्य हम लोगों ने देखे थे उन दृश्यों से उपजी हुई पीड़ा से ये कविता, इस कविता ने जन्म लिया था, तो मैं आपके बीच रख रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है उछल तारे। नहीं रही अरवीना, नहीं रहा अनवर, नहीं रहे दया बख्श। नहीं रही अरवीना, नहीं रहा अनवर, नहीं रहे दया बख्श। वे इतिहास के निर्माता हो सकते थे, महज तारीखें भर नहीं बल्कि इतिहास को दिशा बोध कराने वाले ध्रुव तारे। वे इतिहास के निर्माता हो सकते थे, महज तारीखें भर नहीं बल्कि इतिहास को दिशा बोध कराने वाले ध्रुव तारे। लेकिन अफसोस कि सारे वाजिब कारणों के होते हुए भी वे इतिहास में कहीं नहीं। उनके पेट के विज्ञान ने उनका भूगोल बदल डाला, वे अंतरिक्ष के दिग्भ्रमित पिंड होकर रह गए जो भटक गए अपने परिक्रमण पथ से, छिटक गए अपनी धुरी से और रोटी के शक्तिशाली ध्रुवों के गुरुत्व में उलझ गए। अफसोस जिंदा रहने की जद्दोजहद में, भूख के अथाह ब्रह्मांड में वे कहीं खो गए। उन्होंने रोटी मांगी, हमने उन्हें भूख दी। उन्होंने पानी मांगा, हमने उन्हें प्यास दी। उन्होंने भूखे बच्चे के लिए दूध मांगा, हमने उन्हें सस्ती दर पे कर्ज दिया। उन्होंने घर जाना चाहा, हमने उन्हें इंतजार दिया। कहाँ पता था उन्हें कि उम्मीद की जिस गाड़ी में वे कंधे पर भूख का बस्ता टांगे चढ़ रहे हैं, उसी गाड़ी से भूख के उसी बस्ते में बांध कर संभावित संक्रमित कहकर किसी लावारिस बम की तरह भूखे पेट ही किसी अनजाने प्लेटफॉर्म पर उतार दिए जाएंगे। कहाँ पता था, कहाँ पता था कि गाड़ी की खिड़की से अपने गाँव की बाट जोहती आँखें अपने गंतव्य पर पहुँचने से पहले ही पथरा जाएंगी। वे बचाए जा सकते थे थोड़े से पानी, कुछ रोटियों, साधारण दवा की एक गोली और बहुत थोड़ी सी मानवीयता से वे बचाए जा सकते थे, लेकिन नहीं बचाए जा सके। अरवीना की बेटी जो अपनी माँ की साड़ी से खेल रही है, नहीं जानती फर्क साड़ी और कफन में, और जाने भी कैसे फर्क रह भी कहाँ गया है। नहीं समझ पा रही वो कि कुछ दिनों पहले तक उसकी माँ की पर्वत रूपी छाती से निकलने वाली जीवन दायिनी दुग्ध की नदियां आखिर सूख क्यों गईं। दरअसल वह खेल नहीं रही बल्कि ढूंढ रही है भूख का वह बांध जिसने उसके हिस्से का पोषण रोक लिया है। दरअसल वह खेल नहीं रही बल्कि ढूंढ रही है भूख का वह बांध जिसने उसके हिस्से का पोषण रोक लिया है। नहीं छपी ये खबर किसी भी प्रमुख अखबार में, नहीं छपी ये खबर किसी भी प्रमुख अखबार में, तो क्या अरवीना, अनवर और दया बख्श
यूं ही भुला दिए जाएंगे? नहीं छपी ये खबर किसी भी प्रमुख अखबार में तो क्या अरवीना, अनवर और दया बख्श यूं ही भुला दिए जाएंगे अंतरिक्ष के किसी आवारा पिंड की तरह? नहीं नहीं, मैं अपनी कविता में जीवित रखूंगा उन्हें, सैकड़ों वर्षों में कभी कभार दिखाई देने वाले पुच्छल तारे की तरह, ताकि सनद रहे मेरे हिस्से की भूख लेकर वे गुजर गए, उनके उनके हिस्से की रोटी लेकर मैं जिंदा हूँ। मेरे हिस्से की भूख लेकर वे गुजर गए, उनके हिस्से की रोटी लेकर मैं जिंदा हूँ। मैं इन कविताओं के साथ मैं जनसरकार मंच टोंक का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ कविताएं इस मंच के माध्यम से आपके बीच रख सकूं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपकी टिप्पणियों का। अगर कविताएं अच्छी लगें तो, और नहीं भी अच्छी लगें तो भी आप अपनी टिप्पणियाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और जनसरोकार मंच अपने नाम की तरह ही बहुत अच्छा काम कर रहा है, जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ है और लगातार बहुत सक्रिय है। ये बहुत ही संतोष की बात है कि हमारे बीच में देवेंद्र जी जैसे लोग हैं जो इतने सक्रिय हैं और लगातार प्रेरित करते रहते हैं कि कुछ नया कार्यक्रम लेना है, कुछ नए तरीके से हमें जनता के बीच में जाना है अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो मैं पुनः जन सरोकार मंच का आभार प्रकट करता हूँ। जो भी लोग इस सेशन से जुड़े, जिन्होंने भी ये मेरी कविताएँ सुनी, मैं उन सब का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और पुनः ये निवेदन करता हूँ कि अपनी टिप्पणियाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मुझे आपकी टिप्पणियों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।